सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चिन्नर जंगल सत्याग्रह का 81वां बनाया गया स्मृति दिन, सांसद अनंत गीते और विधायक विवेक पाटिल ने की शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। दिन दहाड़े कापोटे में लुटेरों ने मचाई धूम, पुलिस के पहुंचने से पहले लुटेरे हुए फरार। और दो चेन स्नेचरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम पंचायत चिन्नर तथा रायगढ़ जिला परिषद के प्रयासों से इतवार को चिन्नर जंगल सत्याग्रह का 81वां हुतात्मा स्मृति दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए सांसद अनंत गीते, विधायक विवेक पाटिल, विधायक भरत गोगावले तथा जिला परिषद के अध्यक्ष पंडित पाटिल आदि गणमान्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इतवार को चिरनेर जंगल सत्याग्रह का 81वां स्मृति दिन चिरनेर में मनाया गया, जहां सत्याग्रह में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सांसद अनंत गीते, विधायक विवेक पाटिल, विधायक भरत गोगावले, जिला परिषद के अध्यक्ष पंडित पाटिल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, वित्त एवं निर्माण सभापति मनोहर भुईर, शिवसेना के रायगढ़ जिला प्रमुख बबनदादा पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व सभापति प्रमोद भगत, उरण पंचायत समिति की सभापति निकिता भुईर आदि गणमान्य सहित उरण पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य एवं चिरनेर तथा आसपास के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान सांसद अनंत गीते ने चिरनेर सत्याग्रह में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की। मैं प्रश्न चिरनेर या परिसर विकासाचा असो, या परिसरामध्ये निर्माण झालेल्या किंवा होऊ घातलेल्या प्रश्नांचा असो, निश्चितपणे त्यावर आपल्याला सविस्तर चर्चा करता येईल। खरं म्हणजे हा जो शेतचा लढा आहे, या शेतचा लढ्याचा थेट लाभार्थी आपण आहात की या लढ्यातून आपल्याला लाभ झालाय, ज्याचा उल्लेख सोनावणे यांनी या ठिकाणी केला। आणि या लढ्याचा लाभ आपल्याला झाला, आपली जमीन ही शेत करता संपादित न करण्याचा निर्णय सरकारला घेण्याकरता आपण भाग पाडलं, आपले सातबारा आपण कोडे करून घेतले,
आणि त्यामुळे निश्चितपणे याचा लाभ या लढ्याचा आपल्याला मिळाला. पण जसा हा थेट लाभ तुम्हाला मिळाला तसा अप्रत्यक्ष लाभ मला मिळाला आणि माझ्या खासदारकीमध्ये या लढ्याचा मोलाचा वाटा आहे हे मला या ठिकाणी आवर्जून जाहीरपणे सांगावं लागतं. व इस दौरान विधायक विवेक पाटील ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. आणि या ठिकाणी आपण त्या आधी हुतात्म्यांचं चित्र निर्माण केलं, आपण त्या ठिकाणी त्यांची शिला निर्माण केली आणि कसे दिसत असतील हे फक्त वर्णनावरनं त्या ठिकाणी आपण हे केलेलं आहे आणि ते करून या ठिकाणच्या जनतेला स्मृती घेण्याचं काम केलं आणि पुन्हा आम्हाला अभिमान वाटावा की ह्या हुतात्म्यापासून स्मृती घेऊन एससीझेडला विरोध करण्यासाठी मग राज्य सरकार असेल केंद्र सरकार असेल बलाढ्य असा अनेक भांडवलदार अंबानी असेल रिलायन्सचा त्याला उडथवून टाकण्याचा एकूण हकलून देण्याचं सामर्थ्य आपल्याला या हुतात्म्यापासून मिळालं आणि आपण त्याच्यात यशस्वी झालो ही गोष्ट निश्चितपणे आपल्याला स्मरणीय आहे. इस दौरान विधायक भरत गोगावले एवं जेडपी सदस्य पंडित पाटिल आदि ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया. पनवेल और आसपास के विभागों में कुछ महीनों से रात के वक्त लुटेरे चोरी की कारगुजारियों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं. इन लुटेरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है जिसके चलते अब ये लुटेरे दिन दहाड़े लूट को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं. इतवार को कामोठा में एक सनसनीखेज घटना में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान को लूटने का प्रयास किया गया. नजर डालते हैं सनसनीखेज लूट पर. कामोटे सेक्टर 7 में एक सनसनीखेज घटना घटी जिसमें लुटेरे दिन दहाड़े स्वर्ण व्यापारी के दुकान में डाका डालकर फरार हो गए. स्वामी समर ज्वेलर के मालिक भरत भाई ने लुटेरों का सामना किया जिसकी वजह से लुटेरे स्वर्णकार के दुकान को पूरी तरह से लूट नहीं पाए क्योंकि उन लुटेरे को लगने लगा था कि अब वो पकड़े जाएंगे. लुटेरों ने बंदूक से गोलियां दागी ताकि कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश न करे. हालांकि स्वर्ण व्यापारी भरत भाई को मामूली सी चोटें आई है मगर उनके बेटे के सर पर गहरा जख्म हो गया है. लुटेरे भागते वक्त अपना रिवॉल्वर फेंक गए हैं. घटना स्थल पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी के साथ साथ श्वान पथक को भी बुलाया गया था. फिलहाल पुलिस तहकीकात में अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है. घटना स्थल पर मौजूद स्वर्ण व्यापारी का कहना था कि चार लुटेरे असलाह के साथ आए हुए थे. तो आप ये बताइए कि जो आरोपी आपके पास आपकी हाथापाई हो चुकी है उसके साथ तो कुछ ज्यादा पैसा लग रहा है, कोई परिचित लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? मुँह देखा ही नहीं मेरे को, ये सब हो रहा है तो खाली मार रहे थे तो क्या उसका क्या पता नहीं चला. मतलब उसका चेहरा बिल्कुल याद नहीं आपको? नहीं सामने अगर आपको समझ में अगर फोटो दिखाया जाए तो क्या फोटो से आप पहचान सकोगे? बेटा आपको आप देखोगे फोटो तो पहचान समझ पाओगे पहचान पाओगे. फिलहाल स्वामी समर ज्वेलर्स में कितने रुपयों की लूट हुई है इसका ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है. तहकीकात के बाद पता चलेगा कि लुटेरे कितने रुपयों की ज्वेलरी लूटने में कामयाब हुए हैं. इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने पुलिस विभाग के आला अधिकारी प्रमोद शेवाले से बात की. कई ज्वेलर्स ऐसे जो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने की वजह से आज अगर वो लगाए होते तो शायद ये चोर पुलिस के गिरफ्त में आ सकती थी. तो ऐसे जो ज्वेलर्स है उनके लिए कोई पर्टिकुलर नोटिस जारी किया जाएगा कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाए. मेरी बात सुनिए, मीटिंग ली है ज्वेलर्स के साथ में और ज्वेलर्स भी है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है सीसीटीवी बिठाने का काम चालू है. सर अभी क्या किस तरह के एक्शन ली जाएगी फिलहाल इस पर? फिलहाल पुलिस विभाग बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है. ऐसे में देखना होगा कि आरोपी कब तक पहुंचते हैं सलाखों के पीछे. हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि रायगढ़ नवी मुंबई में सैकड़ों व्यापारी स्वर्ण व्यापार में लिप्त है. जितना खर्च वो फर्नीचर पर या दुकान की सजावट में करते हैं अगर उसमें से चंद रुपए अगर सीसीटीवी तथा कैमरे तथा सायरन पर करे तो लुटेरों की कारगुजारी को कैमरे में कैद करने में कामयाबी हासिल होगी. कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट. अब वक्त एक छोटे से
ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक, संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर। स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज, दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक, त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक, या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार 9:30 ते 5:30 आणि 2:30 ते 6:30 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745-9111, 2746-2700 आणि 3298-3363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड, अब पनवेल में भी, पुराने मुंबई पुना हाईवे पर, कोलखे विलेज और पलस्पा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांजा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए।
साची, सिल्क सारीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रिजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है। शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी, हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाए सुपर नेट साड़ी, हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 बार 12 बार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची, साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 2745-3435। प्रख्यात भजनकार महादेव बुआ शाबाजकर के पिताश्री स्वर्गीय हरिभक्त पारायण दिनकर बुआ कोली के पुण्य स्मरण के उपलक्ष में इतवार को उनके निवास स्थान पर सत्संग सोला का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पालक मंत्री गणेश नाइक सहित समाज के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों ने हवा पर दिनकर बुआ कोली को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रख्यात भजनकार महादेव बुआ शाबाजकर के पिताश्री स्वर्गीय हरिभक्ति पारायण दिनकर बुआ कोली के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में इतवार को सत्संग सोहला का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पालक मंत्री गणेश नाइक, सांसद संजीव नाइक, महापौर सागर नाइक आदि गणमान्यों सहित समाज के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर गणेश नाइक ने अपनी भावनाएं जाहिर की। पैसा हा सर्वस्व नहीं, पैसा ही साधन है आणि ज्याला साधनाचा अहंकार होतो ती माणसं रावण पंडित असला तरी सुद्धा त्याचा नाश त्याच्या विचाराचा झाला। कौरव सामर्थ्यवान होते, राजे होते तरी सुद्धा त्यांच्या कुलाचाच अंत झाला आणि म्हणून जीवनशैली ही सकारात्मक असली पाहिजे, दया क्षमा शांतीचा आविष्कार असला पाहिजे आणि त्या अनुसरून त्या ठिकाणी आपलं काम झालं तर जीवनाला एक पूर्णत्व येतं आणि म्हणून पैसा असणं हा एक भाग आहे, पैसा कमवणं भाग आहे, परंतु पैशाचा विनियोग कशा चांगल्या प्रकारे करावा हे सर्व सर्वार्थानं सर्वांनाच जमत नाही। टाइम मॅनेजमेंट हा फार महत्त्वाचा विषय आहे, सुदैवानं मला थोडासा जमलेला आहे असं मी समजतो आणि म्हणून जीवनातल्या प्रत्येक टप्प्यावर लहान थोरांचा सर्वांचा सन्मान करता करता, चांगल्या गुणांची निश्चितपणे वाखाणणी करता करता आपल्या जीवनामध्ये आत्मविश्वासानं वाटचाल करण्याचा मला योग आलेला। आय शू टेल मनी पॉवर, मसल पॉवर, चेअर पॉवर, पैशाची शक्ती, खुर्ची शक्ती आणि शारीरिक शक्ती, या शक्ती आहेत कोणी नाकारू शकत नाही। वो इस दौरान महादेव बुआ शाबाजकर भी मीडिया से रूबरू हुए। ये हमारे प्रोग्राम है, हमारे पिताश्री दिनकर बुआ पोशापुर, उनके स्मरण में ये 13वां प्रोग्राम है। हर साल एक नया नया प्रोग्राम देते हैं, एक न्यू बॉम्बे के वास्ते नया पर्वणी होता है। ऐसे न्यू बॉम्बे में अलीबाग, रायगढ़, पूरा ये थाना डिस्ट्रिक्ट, बॉम्बे से बहुत सारे पब्लिक आते हैं क्योंकि ये एक साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, एक महोत्सव ही होता है, एक संगीत क्लासिकल भजन रहता है और संगीत प्रोग्राम रहता है। लास्ट ईयर बाबा महाराज स्वतंत्रता कीर्तन भी हुआ था, तो हर एक आदमी साल भर में पूछते रहते थे आपके पिताजी का कब ये पुण्यतिथि है। इसका मतलब ये हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम करते हैं कि भजन का प्रचार प्रसार, लोगों को सुनने को कुछ अच्छा मिले, इसके वास्ते हम हर साल ये 13वां साल आए करते हैं। लास्ट बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकार आके यहाँ गए, लास्ट 13 साल से एक प्रोग्राम चल रहा है। लास्ट साल में एक उसके पहले एक जर्टिस्ट मेहमे में थे, बाद में बाबा महाराज सतारकर, अभी आज भी आएंगे गौरी पाठारी करते गाने गाने वाले, बहुत बड़े गाने वाले हैं, उनका प्रोग्राम है और हमारे ज्ञानय संस्कृत मंडल का क्लासिकल भजन रहता है, वो होता है। हर साल ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है। कार्यक्रम के दौरान महादेव बुआ शाबाजकर, अरुण बुआ कारेकर तथा गौरी पाठारे आदि के भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नाथा घरी नाथ से भाषा सखा।
बालिका दिवस के उपलक्ष्य में नवीन पनवेल शेखा पक्ष उत्तर विभाग द्वारा सेक्टर 7 स्थित समाज मंदिर में कॉफिया वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद सेक्टर 11 स्थित गार्डन में बच्चों को चॉकलेट्स एवं गुब्बारे वितरित किए गए। समूचे देश में 24 सितंबर बालिका दिवस के तौर पर मनाया गया। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शेतकरी कामगार पक्ष उत्तर विभाग द्वारा नवीन पनवेल सेक्टर 7 स्थित समाज मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बच्चों को कॉपियां एवं केक वितरित किए गए। इस दौरान महिला आघाड़ी की उपाध्यक्ष क्षमा पाठक ने अपनी भावनाएं जाहिर की। त्याच्यामुळेच आपण बघतो की आधीच गर्भामध्ये आपण बघतो की मुलगा आहे की मुलगी आहे आणि मुलगी म्हणून आपण तिची हत्या करतोय। तर हे जे चाललेलं आहे जे विज्ञानाने आपल्याला शिकवलं आणि विज्ञानाचा आपण चुकीचा फायदा घेतोय। कारण की आज मुली आज म्हणतो आपण आजारी आपण आपल्या घरात आजारी असेल तर हॉस्पिटलमध्ये तिच्या बाजूला राहणारी कोण असते? एखादी सून असते, आई असते, मुलगी असते, तीच असते। पण आपण ज्या हिशोबाने जे आज मुलींकडे ते बघायचा दृष्टिकोन बदलतोय असं नाही की मुलगी घर चालवत नाही। एखाद्या घरात असं होतं की मुलगी आपल्या आई वडिलांनाही विचारते, लग्नानंतर सुद्धा असं होतं की फक्त मुली असतील तरी ते आई वडिलांची चौकशी करतात, विचारतात काय काय जणांना वंशाचा देव म्हणून दोन तीन मुलं असतील तर ती मुलं पण आई वडिलांना विचारत नाही, तेवढं मुली आजच्या जगा याच्यामध्ये विचारतात। जन्म देणारी आपल्याला आई आहे ते म्हणतात स्वामी तिनी जगाचा आई विना भिकारी असं आपण म्हणतो। ज्या ज्या आपण देवीची पूजा करतो, दुर्गा माता आहे, लक्ष्मी आहे, झाशीची राणी आहे, या सर्व सर्वांची आपण ज्या पूजा करतो त्या सर्व जर काही स्त्रियांचं आपण जर काही एवढं त्याला मान्य करतो आणखी एखादी स्त्री जन्माला याच्या अगोदरच जर काय आपण तिला हे केलं तर तुम्ही आई बहीण बायको मुलगी कोणाला म्हणणार, आजी कोणाला म्हणणार? जर का स्त्री जन्माने आली तर ती दुसऱ्या स्त्रीला दुसऱ्या आपल्या वंशाचा देवा कसा काय ती जन्माला आणणार? व इस दौरान नवीन पनवेल में रहने वाली अनिता महादेव विधाते इस बच्ची के शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा शेतकरी कामगार पक्ष उत्तर विभाग द्वारा की गई। शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या निमित्ताने आज मी जाहीर करू इच्छिते की आपल्या इथे एक अनिता महादेव विधाते म्हणून एक छोटी मुलगी आहे, चौथीला आहे ती आता। या मुलीचे आई वडील दोघेही वारलेले आहेत, तिच्या आजी आजोबा आणि तिचा मामा हे तिघे जण मिळून तिचा सांभाळ करतायत। बालिका दिनाच्या निमित्ताने आणि आमदार आपले आमदार साहेब शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार साहेबचे विवेक पाटील यांच्या निदर्शनातून आणि त्यांच्या सल्ल्यातून आज आम्ही सगळ्यांनी हिची पुढच्या जो शिक्षणाचा वगैरे खर्च राहील तो आम्ही उचलायची सगळ्यांनी जबाबदारी घेतलेली आहे। कार्यक्रम के बाद नवीन पनवेल सेक्टर 11 स्थित लेफ्टनंट तुषार चव्हाण गार्डन में बच्चों को गुब्बारे एवं चॉकलेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के लिए माधुरी चव्हाण, रमेश चव्हाण, शेकापक्ष के युवा नेता कबीर शेलके, सत्यवान शेलके, कुमार पालव, नितिन परब, प्रहलाद शेलके आदि गणमान्य उपस्थित थे। फिर एक बार लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000 जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य कडधान्य ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट आर्टिकल्स भांडी प्लास्टिक आयटम फर्निशिंग त्याचबरोबर जेंट्स लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा। डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट दररोज डिस्काउंट दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली। डी मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर
91 67 30 75 80 म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्ये ही कार्यरत आहे। टीमा किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं सारी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सारी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी सारीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क, पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइज़न हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइज़न हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए, तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइज़न हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइज़न हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइज़न हुंडई, गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है सेल्स विभाग 0226135999, सर्विस विभाग 0226135900, और हेल्पलाइन नंबर है 8898066000। काइज़न हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है, और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइज़न हुंडई की और दो शाखाएं अलीबाग और करजत में, तो अवश्य आइए काइज़न हुंडई में। लायंस क्लब ऑफ कामोटे एवं महाराष्ट्र सहकारी वेलफेयर के संयुक्त प्रयासों से कामोटा सेक्टर 6 स्थित गणेश मंडल मैदान पर डीम्ड कन्वेंस अर्थात मानव अभिहस्तांतरण एवं सहकारी गृह निर्माण संस्था की समस्या, इस विषय पर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था। लायंस क्लब ऑफ कामोटे एवं महाराष्ट्र सहकारी वेलफेयर के संयुक्त प्रयासों से कामोटा सेक्टर 6 स्थित गणेश मंडल मैदान पर डीम्ड कन्वेंस अर्थात मानव अभिहस्तांतरण एवं सहकारी गृह निर्माण संस्था की समस्या, इस विषय पर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था। इतवार को आयोजित इस कार्यक्रम के लिए MSWA के अध्यक्ष रमेश प्रभु, नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश प्रजापति, फेडरेशन के अध्यक्ष मल्लीनाथ गायकवाड़, सुरदास गोवारी, एडवोकेट मदन गोवारी आदि गणमान्य सहित कामोटे रहवासी संघ के पदाधिकारी तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर रमेश प्रभु ने नागरिकों को मार्गदर्शन करते हुए कुछ स्लाइड शो भी दिखाए। बिल्डर सहकार्य करत नसेल, तुम्हाला जमीन मालक सहकार्य करत नसेल, तुम्ही तक्रार कोणाकडे करायचं? सहनिबंधकाकडे तक्रार केल्यावर ते तुम्हाला सर्व बोलवतील, जमीन मालकला पण बोलवतील, ते खुलासा घेतील, एक ट्रायल घेतील। 6 महिन्याचं हे ट्रायल आहे, ते आपल्याकडे ठेवतो। कन्वेन्स मीन्स वॉट? कन्वेन्स
हे असा आहे, मीनिंग ऑफ कन्व्हेन्स, ट्रान्सफर ऑफ द टायटल ऑफ लँड अँड बिल्डिंग. जेव्हा आपण एखाद्या इमारत मध्ये समजा 25 फ्लॅट असतील, 25 अग्रीमेंट झालेला असेल, 25 लोकांनी आपल्या आपल्या घरामध्ये ओनरशिप घेतलेला आहे आणि तुम्ही त्या घराचा मालक आहे, पण जमीन कोणाचं नावावर आहे? अजून जमीन मालकाचं नावावर आहे. बिल्डिंग कोणाचं नावावर आहे? बिल्डरनी बांधल्यामुळे बिल्डरचं नावावर आहे. हे दोन्ही आपला नावावर हस्तांतर करून देण्याला एक करार आपण बनवतो. हा करार किंवा डीडला आपण कन्व्हेन्स डीड म्हणतो. व इस दौरान मल्लीनाथ गायकवाड ने भी उपस्थित नागरिकों को मार्गदर्शन किया. सहकार विभागाला सहकार खात्याचे वेगळे मंत्री आहेत. सिडकोशी संबंधित आहे. सिडकोचा कारभार करायचा असेल किंवा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना एखादी मंजुरी घ्यायची असेल तर ते नगर विकास खात्याकडे अंतर्गत मोडत असल्यामुळे नगर विकास खात्याकडे त्यांना जावं लागतं. आणि ह्या सगळ्या नोंदणी डीम कन्व्हेन्स एखाद्या संस्थेचं झाल्यावर सुद्धा त्याचा जो महसूल किंवा त्याच्या जी मुद्रांक शुल्क ज्याला आपण स्टॅम्प ड्युटी म्हणतो तो विभाग महसूल खात्याच्या अंतर्गत आला. म्हणजे या चार विभागाचे अधिकारी, मंत्री मी म्हणणार नाही कारण मंत्री बदलत असतात, परंतु या सचिव लेवलचे या चार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन जर याच्यावर विचार विनिमय झाला आणि त्यावेळेला जे कायद्याचं स्वरूप फायनल होईल त्यावेळेला या कायद्याला खऱ्या दृष्टीनं अर्थ आहे असा माझा अभ्यास मला सांग. वाशी पुलिस की गिरफ्त में दो ऐसे आरोपी पहुंच गए हैं जिन्होंने कई चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था. क्या कहना है पुलिस अधिकारी का इस विषय पर, जान लेते हैं खबर के जरिए. वाशी पुलिस थाने में दो आरोपियों को रखा गया है. ये दोनों आरोपी गोवंडी शिवाजी नगर के रहने वाले हैं. पकड़े गए आरोपियों पर मुंबई तथा नवी मुंबई में कई मामले दर्ज है. इन आरोपियों ने मिलकर कई चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था. वाशी सेक्टर 17 में ये दोनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ये पहुंच गए पुलिस के गिरफ्त में, जिसकी वजह ये है कि इन दोनों को संदिग्ध अवस्था में घूमते देख जागरूक नागरिकों ने पुलिस को इत्तला कर दी. पुलिस की पूछताछ में आखिरकार आरोपियों ने अपने द्वारा किए गए वारदातों का खुलासा किया. पकड़े गए आरोपी का नाम है रजाक अब्दुल कलाम खान, उम्र 29 साल तथा मोहम्मद यूसुफ अब्दुल हबीब शेख. फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. ऐसे में देखना ये होगा कि और किन वारदातों से उठता है पर्दा. फिलहाल आरोपी के पास से एक मोटर बाइक तथा 5,000 रूपए नकदी जब्त की गई है. चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं खास खबरों पर. चिन्नर जंगल सत्याग्रह का 81वां बनाया गया स्मृति दिन. सांसद अनंत गीते और विधायक विवेक पाटिल ने की शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित. दिन दहाड़े काबूठे में लुटेरों ने मचाई धूम. पुलिस के पहुंचने से पहले लुटेरे हुए फरार और दो चेन स्नेचरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. आज के लिए बस इतना ही. कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा संपर्क नंबर है 2745737. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.